मुंबई ड्रग्स केस के अंतर्गत अब अनन्या की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनकी चैट अब सार्वजनिक हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अनन्या पांडे आर्यन खान से बातचीत कर रही हैं और आर्यन खान उनसे पूछते हैं क्या गांजे का बंदोबस्त हो सकता है। तब अनन्या जवाब देती है कि हाँ मैं कर दूंगी। जी हाँ, अनन्या ने ऐसा कहा, लेकिन जब एनसीबी ने इसका सवाल उनके सामने उठाया तो एनसीबी के सामने वह रोने लगी और उन्होंने कहा कि यह सब एक मजाक था। तो आखिरकार ऐसा कैसा मजाक कि जब साफ साफ लिखा हुआ है कि गांजा मुझे चाहिए और वो कह रहे हैं कि मैं दिलवा दूंगी, तो इसके पीछे मजाक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वही अभी एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है और आज भी उनको एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन वही जब ये चैट देखी गई है तो यह चैट 2018-19 या 19-20 के बीच की यह चैट बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका पूरा पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि यह चैट वायरल जरूर हुई है और वहीं इसी बीच इसी तरह की तमाम और खबरें वायरल होती हुई नजर आई हैं इस ड्रग्स केस के अंतर्गत। तो देखिए हमारी रिपोर्ट के अंदर कि आखिरकार किस प्रकार से चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे फंसती हुई नजर आ रही है और वहीं आर्यन खान के साथ साथ और किस किस का नाम इस पूरे ड्रग्स केस के अंदर सामने आता हुआ नजर आ सकता है। आर्यन खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या के बीच में हुई चैट की कुछ डिटेल सार्वजनिक हो चुकी है। इसमें आर्यन अनन्या से पूछ रहे थे कि क्या गांजे का कुछ जुगाड़ हो सकता है। इस पर अनन्या ने जवाब दिया था, मैं अरेंज कर दूंगी। गुरुवार को एनसीबी ने अनन्या को यह चैट दिखा करके सवाल पूछा था। इस पर अनन्या ने जवाब दिया कि वे सिर्फ मजाक कर रही थी, वे सिगरेट को लेकर के बात कर रहे थे और एनसीबी को शक है कि यह दोनों के बीच ड्रग्स के बारे में कई बार बातचीत की गई है। यह भी पता चला है कि एनसीबी ने जैसे ही पूछताछ शुरू की अनन्या रोने लगी है। इसके बाद उन्हें पानी भी दिया गया और पूछताछ शुरू की गई। अनन्या से आज फिर पूछताछ चल रही है तो वे कुछ देर पहले अपने घर से एनसीबी ऑफिस के लिए निकली थी और उन्हें 11 बजे एनसीबी ऑफिस बुलाया गया था। एनसीबी के हाथ लगी अनन्या की चैट्स 2018 की बताई जा रही। आर्यन के पास से बरामद चैट से ज़्यादातर 2018 से 19 के बीच की बातचीत है और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि चैट्स में गांजे को लेकर के बातचीत हुई है अनन्या के दोनों के, और फोन को सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आने वाले समय में अनन्या के चैट से भी कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और एक अन्य चैट में वो आर्यन से कहती है कि उन्होंने गांजा पहले ट्राई किया है, वो फिर से ट्राई करना भी चाहती हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।